टिकटॉक स्टार और बिग बॉस 14 में फेम हासिल करने वाली सोनाली फोगाट अब हमारे बीच नहीं रही हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। उन्होंने सोमवार रात 42 की उम्र में अंतिम सांस ली। इस खबर के आने से उनके फैंस काफी ज्यादा शॉक में हैं। आपको बता दें, सोनाली ने हरियाणा की आदमपुर सीट से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आखिरी चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें मात मिली थी। सोनाली आने वाले आदमपुर उपचुनाव के लिए भी बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही थी। पिछले हफ्ते कुलदीप बिश्नोई ने उनके आवास जाकर मुलाकात भी की थी, जिसके तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। यही नहीं, अगर बात करें सोनाली फोगाट के आखिरी पोस्ट की, तो इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट को साझा किया, जिसमें कुछ रील्स और कुछ तस्वीरें सामने आई। अब से 14 घंटे पहले उन्होंने अपनी तस्वीरों को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा था, सोनाली फोगाट #alwaysready #smile #strong #dabang #realbosslady #haryana। सोनाली को लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए खूब प्यार दिया। और अगर बात करें उनकी निजी जिंदगी की, तो उनके पति पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनकी 18 साल की बेटी है। और जब से सोनाली की निधन की खबर सामने आई है, लोगों ने ये भी दुख व्यक्त किया कि अब उनकी बेटी का क्या होगा। इसी के साथ सोनाली फोगाट को कई सोशल इवेंट्स पर भी स्पॉट किया जाता था। अफसाना खान की शादी हो या फिर राहुल वैद्य की शादी हो, इन दोनों ही वेडिंग्स पर सोनाली फोगाट को पहुंचे देखा गया, जहां उन्होंने बाकी अपने बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती भी की थी। हालांकि इस खबर ने जहां लोगों को बहुत बड़ा शॉक दिया है, तो वहीं सोनाली फोगाट के चाहने वाले इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में हैं। आपको बता दें, सोनाली फोगाट ने कई एल्बम्स और कई म्यूजिक वीडियोस भी शूट किए। वो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।